हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आज लेके आ चुके हैं हम, नहीं शाहरुख खान इधर, ये पल्सर N160। तो ये बाइक, इसका फुल रिव्यू देंगे हम, क्योंकि गाड़ी ले चुके हैं इसको, मेरा दोस्त लेने में इसको 3 महीना हो गया और लगभग 5,500-6,000 के आसपास किलोमीटर चल चुका है गाड़ी। तो आज इसका रिव्यू ये देने वाले हैं आपको कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है और क्या है, क्या इसका पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले इसका प्राइस का बात कर ले तो ये 160,000 हमको पड़ा था यहाँ पे ऑन रोड कैश में। उसके बाद अगर बात करें बाइक का लुक का हम, तो बहुत ये लगभग ये बाइक और MT-15 में लगभग मिलता जुलता लुक है, बस सेम नहीं है लेकिन बस थोड़ा बहुत मिलता जुलता लुक है। उसके बाद अगर बात करें हम इसका माइलेज का, तो ये 60 क्लेम करती है कंपनी, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक 50 का माइलेज हमको प्रोवाइड कर रही है बाइक। और अगर इसका इंजन कैपेसिटी का बात करें तो ये 160 लिख रहा है लेकिन 164 सीसी का इंजन है इसका। और अगर इसका माइलेज तो आपको पता ही है जो बता दिए, और चैनल दोनों, ये डबल चैनल ABS मिलेगा आपको, फ्रंट ब्रेक भी और रियर ब्रेक भी, दोनों में डबल चैनल ABS आपको लगा हुआ मिलेगा। और अगर इसका टायर का साइज बात करें हम, तो बहुत अच्छा टायर का साइज 180/17 का टायर आपको मिल जाएगा आपको, जो बहुत हैवी ग्रिप आपको प्रोवाइड करेगा राइड करने में। उसके बाद अगर बात करें हम इसका पीछे का टायर, ये रियर टायर, तो 17 ये टायर का साइज़ है, जो बहुत हैवी ग्रिप आपको मिलेगा। ये गाड़ी के हिसाब से अगर देखा जाए, बाइक के हिसाब से राइडिंग करने में तो कंफर्ट फील होगा। उसके बाद अगर इसका हैंडल बैलेंसिंग का बात करें तो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। उसके बाद अगर आ जाते हैं हम इसका कि गाड़ी का रिसेल वैल्यू, तो अभी आने में ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है तो ऐसा इसका रिसेल वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन अच्छा ही होगा। बाकी आपको बहुत अच्छे से पता है कि बजाज का क्या रिसेल वैल्यू है, तो उस हिसाब से आप इसका देख ही सकते हैं। और आगे चलते हैं इसका लेके हम, फ्रंट शॉकर, ये जो सस्पेंशन है तो वो वही जो नॉर्मल टेलीस्कोप दिया हुआ है वो है। और पीछे वाला सस्पेंशन का बात करें तो मोनो सस्पेंशन है, जो सिंगल आपको बीच में जो आपका इंस्टॉल रहता है, क्योंकि मोनो सस्पेंशन अधिकांश बीच में ही इंस्टॉल रहता है, तो ये चीज़ है। उसके बाद इसका और भी जानकारी आपको अगर कुछ रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और भी इसमें बहुत कुछ है जो आपको बता रहे हैं हम, कि अगर इसका मतलब सर्विस कॉस्ट का बात किया जाए ना, तो 1000 मिनिमम आपको चार्ज होता है अभी न्यू में। ये सेकंड सर्विस इसका हो चुका है, तो फर्स्ट में 1000 रुपीज़ के ऐसे कुछ अप्रोक्स आया हुआ था, और ये सेकेंड में 1200 के आसपास ऐसे कुछ था। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर है बाइक में। उसके बाद अगर बात करें इसका टॉर्क का, तो 16 BHP टॉर्क प्रोवाइड करता है आपको बाइक, जो बहुत हेवी परफॉर्मेंस आपको लॉन्चिंग के साथ ही आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब लॉन्चिंग में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका रहेगा ना कि बता नहीं सकते। और गाड़ी का वेट का बात किया जाए तो 154 kg वेट है, जो आपको थोड़ा वेट लग सकता है बाइक में, जो बाइक के हिसाब से ऐसे ही पता है बजाज का थोड़ा वेटिंग रहता है गाड़ी का। वेट अच्छा ही है, क्योंकि गाड़ी का ग्रिप बनने के लिए और मेन हेवी बैलेंस करने के लिए ग्रिप बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद बाइक में और ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं लगा है, तो ये रिव्यू हमारा 6000 किलोमीटर तक का है। और इसके बाद का रिव्यू अगर चाहिए तो बाकी, अगर आगे हमको कुछ इसमें ऐसा लगता है कि कमी कि नहीं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। तो आज का रिव्यू इस बाइक का यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर कोई भी बाइक का अगर आपको रिव्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपका रिव्यू मिल जाएगा बाइक का। बहुत सारा बाइक का रिव्यू पहले भी बना चुका है, जाके देख सकते हैं सर्च करके, तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो कोई भी बाइक का चाहिए तो जो नहीं मिल रहा वो आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट में बता देंगे आपको। और ये कमेंट किया हुआ था इसलिए इस पर वीडियो बनाया हम। तो अगर कोई चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई दोस्त आपका परचेज करना चाह रहा है तो उसको। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।